अजमेर जिला मुख्यालय की पुलिस को मिली बड़ी सफलता। राजस्थान में दो दर्जन से अधिक चोरियों की वारदात को अंजाम देने वाली गैंग के साथ सोने चांदी खरीदने वाले एक ज्वेलर्स को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। आइए देखते हैं संवाददाता देवीलाल सोनी की रिपोर्ट। पार्टी पीछे आ जाओ, पूरा आ जाना भैया। अरे ये आईडी फोन में आपके भैया, ये आईडी करो ना यार। दो मिनट आराम। अजमेर के ग्रामीण जो इलाके हैं, जिसमें कई सारे थाने, किशनगढ़ सिटी है, गेगल है, बांदर सिंदरी है, गांधीनगर है, अराई है, रूपनगढ़ है, इन सारे थाने के जो एरियाज हैं, इनमें पिछले करीब 3-4 महीने से लगातार चोरी की वारदातें हो रही थी। इनका चोरी करने का जो तरीका था वो ये था कि ये रात के समय पे और पीछे से जंगला काट के और ये मकानों में घुसते थे। और चूंकि गर्मी का मौसम है तो लोग जनरली बाहर सोते हैं, तो घर से ये पैसा है और आभूषण जो भी है उनको चुरा के ले जाते थे। इन सब की जो वारदातों की जो गंभीरता थी उसको देखते हुए एसपी साहब ने एक टीम बनाई, जिसमें हमारे संबंधित जो थानाधिकारी थे उनको लिया गया। इसमें किशनगढ़ सिटी के एसएचओ हैं, गेगल के एसएचओ हैं, उनकी टीम को लिया गया। साथ में हमारी जो डीएसटी टीम है उसके सारे लोग थे और हमारी साइबर सेल की टीम थी। इन सब की हमने एक संयुक्त टीम बनाई और इन वारदातों को में जो लोग शामिल हैं उनको पकड़ने के लिए हमने प्रयास किए। तो इसमें परसों रात की जो घटना थी उसमें जो कुछ लोग, ये जो गैंग थी उसको चिन्हित कर रखा था हमने तकनीकी साक्ष्यों से भी और लोकल इंटेलिजेंस से भी। परसों रात को वो लोग ये घटना कारित करने के लिए, चोरी करने के लिए गेगल थाना इलाके में आए। तो हमने, क्योंकि हम पहले से तैयार थे, हमें आसूचना थी, हमने उनको घटना कारित करने से पहले रोक लिया। और इस सब कार्रवाई में ये दो गाड़ियां पहले पकड़ी हमने, एक बोलेरो थी और एक बेलनो कार थी। बेलनो कार पहले बेगू थाने से चुराई हुई है, वहाँ से दो गाड़ियों को पकड़ा और 7 जो नकबजन हैं उनको पकड़ा। सबसे पहले हमने, परसों रात की घटना आई तो हमने 7 नकबजन और 2 गाड़ियां हमने पकड़ी, जिसमें से एक गाड़ी चूँकि भगाने की कोशिश करी उन्होंने तो गाड़ी पलट गई, तो उसमें कुछ गाड़ी में चोटें भी आई, गाड़ी टूटी भी है, हालांकि उनके कोई चोट नहीं लगी। जब इन गाड़ियों की तलाशी ली गई तो इन गाड़ियों की तलाशी में पैसा और कुछ आभूषण भी मिले। इसके बाद हमने इनसे सूचना ली कि भाई आप ये जो चोरी का माल है किसे बेचते हो, तो इन्होंने एक सुनार का नाम लिया जो कि वहीं उधर का बेगू थाना इलाके का रहने वाला है। फिर हमने कल उस सुनार के यहाँ जाके उस सुनार को गिरफ्तार किया और उससे भी सोने के आभूषण और कुछ चांदी के आभूषण बरामद किया। तो इस सारी घटना में हमने कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 7 नकबजन हैं। ये नकबजनों ने स्वीकार किया है कि हमने राजस्थान के विभिन्न जिलों में 2 दर्जन से अधिक वारदातें करी हैं, जिनमें से अकेली हमारी अजमेर की ही 10-12 वारदातें अभी तक इन्होंने कबूल करी। आगे अनुसंधान जारी है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।